Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students of 9th class, I welcome you in the lesson number 4. And our today's lesson is also characteristics of enzymes. Pichle lesson mein humne characteristics of enzymes ke hawale se kuch padha tha. Lekin wo topic hamara abhi continue hai. To bachcho aaj hum us lesson ko aage proceed karte hain. Number 1 pe hamara jaise ki important terms ka silsila hota hai. To aaj ki important terms mein hamare paas sabse pehli term hai cofactor. Cofactor kya hai? बच्चों आप जानते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है, लेकिन इन प्रोटीन्स को भी अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड्स या मेटेलिक आयंस की ज़रूरत होती है. तो इन कंपाउंड्स को और इन मेटेलिक आयंस को हम बेसिकली कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है. तो कोफैक्टर की टर्म आज हम पढ़ेंगे. इसके बाद कोफैक्टर की दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है. आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है. तो ये वही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है. तो जिन कोफैक्टर्स का सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि विटामिंस वगैरह, ठीक है, तो उनको हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहते हैं. तो द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी आइदर लूजली और टाइटली बाउंड टू एंजाइम एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है. रिएक्शन में हिस्सा भी लेते हैं और एंजाइम के साथ ये दो तरीके से बाउंड होते हैं, या तो लूजली बाउंड होते हैं यानी वक्ती तौर पर बाउंड होंगे और फिर आज़ाद हो जाएंगे, या टाइटली बाउंड होते हैं यानी एंजाइम का पार्ट, उसका हिस्सा बने होते हैं और एंजाइम को ख़त्म किए बगैर उनको वहाँ से ख़त्म करना मुश्किल होता है. तो दो तरह के ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है. इसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली अटैच हो जाए एंजाइम से तो उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप. और कोएंजाइम अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच हो जाएगा एंजाइम से तो दैट विल बी कॉल्ड अ कोएंजाइम. इसके बाद एक टर्म आएगी बच्चों, मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है कि एंजाइम्स का ऑर्डर में काम करना, यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्सटेंस है, उसने प्रोडक्ट बनना है, लेकिन उसको प्रोडक्ट बनने कन्वर्ट होने के लिए चार तरह के रिएक्शन से गुजरना पड़े. एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ आपसे, तो उन चारों रिएक्शंस को कंडक्ट करने के लिए क्या होगा, एंजाइम वन आएगा, पहला एंजाइम, वो अपना वर्किंग करेगा और उस प्रोडक्ट को वो सेकंड प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है. उसके बाद सेकंड एंजाइम उसको वर्क करेगा, फिर थर्ड करेगा और फिर फोर्थ एंजाइम जो है फाइनली उसको मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. तो दैट इज़ कॉल्ड अ मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है. तो हम इसको देखते हैं अपने लेसन को. सबसे पहले बच्चों आप ये डायग्राम देखें, ठीक है, जिसमें एक कोफैक्टर है जो एंजाइम से अटैच हो रहा है, ठीक है. और अभी रिएक्टिंग सब्सटेंस जो सब्सट्रेट है वो अभी एंजाइम से रिएक्ट नहीं कर रहा क्योंकि कोफैक्टर अभी तक एंजाइम से अटैच नहीं हुआ, ठीक है. अब नेक्स्ट डायग्राम में देखें आप, कोफैक्टर अटैच हो गया है एंजाइम के साथ और अब सब्सट्रेट जो है वो इस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि वो एंजाइम के साथ अपने आप को जोड़ ले और फिर एंजाइम उस पर जो है उसमें चेंजेस उसके केमिकल रिएक्शन को उसको प्रोसीड कर सके आगे, ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट देखें आप डायग्राम, इसमें भी इसी बात को समझाया जा रहा है कि जो कोएंजाइम होता है, और कोएंजाइम क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो लूजली अटैच होगा एंजाइम के साथ तो दैट विल बी कॉल्ड अ कोएंजाइम, ठीक है. तो कोएंजाइम भी वही काम कर रहा है जो हमने भी कोफैक्टर के बारे में पढ़ा है, ठीक है. तो बच्चों कोफैक्टर के हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा है कोएंजाइम. और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, जो परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ, ठीक है, और वो उससे अलहदा नहीं होता. लेकिन कोएंजाइम वो भी कोफैक्टर है लेकिन वो लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ, ठीक है. इसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे के हवाले से हमने पढ़ा था, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर एक रिएक्शन ने तीन या चार जो है रिएक्शंस में जाके कंप्लीट होना है तो फिर क्या होगा, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल पर एंजाइम वन रिएक्ट करेगा और उस सब्सटेंस को ए से बी में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसको केमिकली चेंज कर देगा. उसके बाद दूसरा एंजाइम उस पर वर्क करेगा और बी को सी में कन्वर्ट कर देगा, यानी एक और नया सब्सटेंस बन जाएगा. और फिर सी पे एंजाइम थ्री वर्क करेगा और उसको डी में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है. तो दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है. तो आए स्टूडेंट्स, हम इनकी रीडिंग करते हैं. पेज नंबर 109 पे आ जाएं आप लोग. तो पेज नंबर 109 पर जो है पहले फोर पॉइंट्स के बाद जो आपको फिफ्थ पॉइंट मिलेगा वो है आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है. आप लोग इसको पहले मेरे साथ पढ़ें फिर बाद में इसको बुक से रीड कीजिएगा. सम एंजाइम्स डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क, ठीक है. कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको किसी भी एडिशनल सब्सटेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना वर्क करते रहते हैं. लेकिन
हाउएवर अदर्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड कोफैक्टर्स, लेकिन कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आयंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि अपना काम जो है वो कर सकें। कोफैक्टर्स में भी आइदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है, लाइक मेटल आयंस और ऑर्गेनिक। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे इसके बारे में बात की कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, उसका एंजाइम से अटैच होना दो तरह से होता है, या तो वो टाइटली एंजाइम से अटैच होगा या वो लूजली अटैच होगा। तो अगर वो टाइटली अटैच होता है तो फिर उस एंजाइम का उस कोफैक्टर का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम्स दे आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। ठीक है, सिमिलरली कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, सम इंपॉर्टेंट विटामिंस, ठीक है, आगे उनके नाम लिखे हैं, एक्ट एज कोएंजाइम। ठीक है, इसके बाद सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ये मेटाबॉलिक पाथवे की बात हो रही है, क्रिएटिंग अ मेटाबॉलिक पाथवे। इन इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज अ सब्सट्रेट, आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम। तो मैंने पिछले डायग्राम में आपको ये दिखाया कि एक एंजाइम एक एक सब्सटेंस को लेगा, उसको सेकेंड सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा, और फिर सेकेंड जो है एंजाइम उसको लेकर थर्ड में, और थर्ड उसको लेकर फोर्थ में फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये बात हो रही थी मेटाबॉलिक पाथवे की। ठीक है, तो बच्चों आज हमने यही दो पॉइंट्स पढ़ने थे, क्रिटिस्टिव एंजाइम में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको आपका जो होमवर्क है वो असाइन कर देता हूँ। नंबर वन पे आप लोगों ने कोफैक्टर को डिफाइन करना है, फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप को डिफाइन करना है, और फिर कोएंजाइम को डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में अगर आएंगे पेज नंबर 109 के ऊपर, तो आपको फिफ्थ पॉइंट में ये तीनों डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट में कोफैक्टर्स तक जो है ये कोफैक्टर की अपनी डेफिनेशन है कि एंजाइम को वर्किंग के लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, दैट नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। इस तरह से ये थर्ड लाइन में आए, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर दो तरह के हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर कौन से आते हैं, मेटल आयन्स होते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कॉपर का आयन होता है, जैसे आयरन का, यानी कि फेरस या फेरिक का आयन होता है। तो ये सारे के सारे कोफैक्टर्स जो हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक आमतौर पर वाइटामिन्स में से एक्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और नेचर के कोफैक्टर्स। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की आगे दो कंडीशंस हैं, या तो वो टाइटली अटैच होंगे एंजाइम से, अगर वो टाइटली बाउंड होंगे एंजाइम से तो उनको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एंड इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम्स दे आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। ठीक है, और कोएंजाइम कौन सा है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर लूजली अटैच हो जाएगा एंजाइम से तो वो बना देगा कोएंजाइम। तो बच्चों ये आपका आज का होमवर्क था, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।